हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि क्विंची अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे मीटिंग ओवर होने के बाद लौटते समय वो यांग को कॉल करके कहती है कि वो उसके बैंक के पास ही है, तो वो उसे पिक करने के लिए आ रही है। जिस पे यांग उससे कहने लगता है कि आज मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ तो तुम मुझे लेने मत आओ। जिस पे क्विंची कहने लगती है कि लेकिन बैंक पे तो कभी भी ओवर टाइम की जॉब लगती ही नहीं है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बैंक पे हो ही नहीं क्योंकि तुम्हारे आसपास काफी शोर हो रहा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्विंची को यांग की जॉब से निकाले जाने का पता चल जाता है, पर यांग यहाँ पे उसे कहता है कि जॉब उसके टाइप की नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही छोड़ दी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि यांग का बॉस उसके फ्रेंड को डांट रहा होता है कि आखिर तुमने उसे यहाँ पे जॉब क्यों दी थी, और उसे पूछता है कि आखिर तुमने उसे किस बेसिस पे बैंक पे जॉब दे दी, क्योंकि उसे बैंक में जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। जिसपे यांग का फ्रेंड बॉस को बताने लगता है कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर उसने कहा है कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसका बॉस उस पे भड़कते हुए कहने लगता है कि उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है क्या तुम उसे पे करोगे। इसपे यांग का फ्रेंड भी फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है कि आप उसे पहले ही जॉब से निकाल चुके हो और अब उससे ज्यादा आप और क्या चाहते हो। पर तभी एक एम्प्लॉय आके उन्हें बताता है कि यांग वापस आ गया है, जिसके बाद वो जल्दबाजी में यांग के पास आते हैं, जहाँ पे यांग के साथ साथ क्विंची भी ऑफिस में होती है। क्विंची यांग के बॉस को बताने लगती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। ये सुनकर यांग के बॉस उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जॉब से क्या निकाल दिया, तुम तो यहाँ पे लड़ने के लिए अपनी वाइफ को लेके आए हो। इन सब बातों को इग्नोर करके क्विंची उनसे पूछने लगती है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर तो आपने मेरे हस्बैंड को इस जॉब से क्यों निकाला है। तो बॉस यहाँ पे कहने लगते हैं कि ये बात तो तुम अपने हस्बैंड से ही पूछो, ये इसने वो काम किया है जो इसे करने के लिए कहा ही नहीं गया, और इसकी वजह से हमने बहुत बड़े क्लाइंट को खो दिया। तो क्विंची यहाँ पे कहने लगी लगता है कि आप अभी तक लेबर लॉ नहीं जानते हैं, और उन्हें बताती है कि आप एक एम्प्लॉय को तभी निकाल सकते हो जब उसने कोई लेबर लॉ तोड़ा हो या तो फिर उसने किसी क्लाइंट के साथ कोई वॉयलेंस किया हो। और यांग ने आपके क्लाइंट पे शक करके या तो किसी रूल को तोड़ा है ना ही कोई वॉयलेंस किया है, और इसी वजह से आपके पास यांग को जॉब से निकालने का कोई भी लीगल रीजन नहीं है, और आपने लेबर लॉ के रूल्स को तोड़ा है। अगर मैंने ये बात मीडिया में बता दी तो आखिर सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। ये सब सुन के यांग भी शॉक्ड होता है, और यांग का बॉस यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। तो क्विंची भी खड़े होकर कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ, और आगे से किसी की इंसल्ट करने से पहले ये जान लेना कि उसके किसके साथ कॉन्टेक्ट है। ये कहने के बाद क्विंची काफी टेंशन के साथ वहां से बाहर निकलती है, और यांग को अपनी वाइफ के इंटेलिजेंस पे काफी प्राउड फील होता है। और यहाँ पे यांग काफी खुश होकर अपने फ्रेंड और वाइफ के साथ वहां से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसके पुराने बॉस मिस्टर क्यूई उसके सामने आ जाते हैं, और उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो सकते हो। काफी शर्म की बात है कि तुम यहाँ पे एक मामूली से अकाउंट मैनेजर हो, और उसे वापस अपने फर्म में पुरानी जॉब में आने के लिए कहते हैं। यांग उनका कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची यांग और उसका फ्रेंड बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे यांग का फ्रेंड क्विंची को बताने लगता है कि जब हम लोग कॉलेज में थे और हम लोगों ने स्टॉक बिजनेस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, और जिसका भी प्रॉफिट रेशियो ज्यादा रहेगा वो इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता, और यांग और उसका फ्रेंड एक ही टीम में थे और उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। पर बाद में एक दूसरा लड़का 0.2% के ज्यादा प्रॉफिट से वो कंपटीशन जीत गया, और ये बात यांग वहाँ पे आके क्विंची को बताता है। और वो लोग इस कंपटीशन में सेकंड आए थे, और इस कंपटीशन के एंड होने के बाद उसके पास मिस्टर क्यूई का कॉल आया था और उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। ये सारी बातें बताते हुए यांग काफी ज्यादा अपसेट होता है, और क्विंची ये बात नोटिस करती है। फिर अभी फ्लैशबैक में हमें सीन दिखाया जाता है कि यांग मिस्टर क्यूई से मिलने के लिए पहुंचता है, और वो उसे कहते हैं कि भले तुम इस कंपटीशन हार गए हो पर इस कंपटीशन में मेरी नजर सिर्फ तुम पे ही थी, और वो उसे अपना टीममेट बनाना चाहते थे। और बैक टू प्रेजेंट यांग क्विंची को बता रहा होता है कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो कनाडा चला गया और वहाँ पे मिस्टर क्यूई की कंपनी में फंड मैनेजर बन गया। और ये बताने के बाद यांग काफी सैड हो जाता है। तो उसका फ्रेंड आगे की कहानी बताता है कि कैसे उस कंपनी के साथ काफी सारे लोग काम करना चाहते थे, लेकिन यांग वहाँ पे सिलेक्ट हुआ और वो वहाँ का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेटर बना। ये सब बातों के दौरान यांग काफी ड्रिंक करने लगता है, तो क्विंची उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और उसे और ड्रिंक करने से मना करती है। वहीं दूसरी ओर हमें जुनहुई को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ फीफी के पेरेंट्स से मिलता है, और अब फीफी के पेरेंट्स को जुनहुई और उसकी शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और वो उन दोनों को ही जल्दी ही शादी करने के लिए कहते हैं। साथ ही यहाँ पे फीफी के डैड उन दोनों को एक हाउस भी गिफ्ट करते हैं। ये सब देख के फीफी काफी खुश होती है, पर जुनहुई उतना खुश नहीं होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि घर आने के बाद जुनहुई की मॉम उससे इस बार में पूछती है कि आखिर वो इतना खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अब तो उसकी फीफी से शादी भी होने वाली है। तो अपनी मॉम को कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो बहुत खुश है। साथ ही जुनहुई की मॉम उससे पूछती है कि पहले तो ये लोग शादी को बात को हमेशा अवॉइड करते थे और अब खुद ही शादी
शादी की इतनी जल्दी करें, आखिर बात क्या है। जिसपे जुनहि उन्हें बताता है कि उसने प्रीनुप्शियल एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्विंची और यांग के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहां पे यांग का फ्रेंड क्विंची से कहता है कि आज से पहले यांग ने कभी भी अपनी पुरानी जॉब को लेकर इतनी बात नहीं की है, क्योंकि वो उस चीज से काफी हर्ट हुआ था, पर तुम्हारे आने के बाद वो अब काफी बदल गया है। और उसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके दोस्त का हमेशा इसी तरीके से ख्याल रखे। फिर इतने में वहाँ पे यांग आता है और ये लोग हाथ पकड़ के वापस घर आने लगते हैं, जहाँ पे रास्ते में उन्हें एक पपी मिलता है और यांग इसे देख के काफी खुश होता है और क्विंची से कहता है कि हनी, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब एक बेबी मिल गया है। ये सुन के क्विंची काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार था कि जब यांग ने उसे हनी कह के बुलाया था, और वो ये सुन के काफी खुश भी होती है। पर तभी वहाँ पे डॉग का ओनर आता है और अपने साथ डॉग को ले जाता है, जिसके बाद यांग क्विंची से कहता है कि मुझे इस तरीके से अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद क्विंची उससे कहती है कि आज से तुम मेरे स्वीट हार्ट हो और मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी क्विंची के पास उसके भाई वेन्यू का कॉल आता है, जो कि उसे जल्दी से घर आने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसके घर में कोई मरने वाला है। वहीं दूसरी ओर हमें वेन्यू और मिमी को दिखाया जाता है, जहाँ पे झगड़े के बाद मिमी बैल्कनी से कूदने की धमकी दे रही होती है। फिर आयन मौके पे वहाँ पे क्विंची पहुंच जाती है और मिमी को कूदने के लिए और उकसाती है और उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से बिल्कुल कूद सकती हो, पर इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा पति काफी फ्री हो जाएगा और मौज मस्ती करेगा और इसे रोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची के साथ मिमी बैठी होती है और यहाँ पे वो क्विंची को बताती है कि वेन्यू उसके साथ इतने दिन से अच्छे तरीके से बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा और जल्द ही उन्हें दादी बना देगा तो वो उसे स्पोर्ट्स कार लेके देंगी। और वेन्यू ने स्पोर्ट्स कार पाने के चक्कर में अपनी ही वाइफ को ड्रग देने की कोशिश की थी ताकि वो अपनी मॉम की ख्वाहिशें जल्दी पूरी कर सके। ये सारी बातें मिमी क्विंची को बताती है और कहती है ये तो गलत बात है ना, कल अगर इसे कोई कुछ और दे दे तो ये तो कल मुझे मार भी डाले। इस पे वेन्यू कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से ब्लेम मत करो, क्योंकि ये सब कुछ तुम ही ने शुरू किया था, क्योंकि तुमने भी मेरे मॉम के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर तुम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होती हो तो तुम्हें एंटरप्राइजेस के 20% शेयर मिलेंगे। और उसे चिल्ला के कहता है कि क्या तुमने मुझे कभी अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट भी किया है। और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में दोबारा से झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसपे क्विंची कहती है कि तुम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते और उन्हें डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करने के लिए कहती है दोबारा से। तो यहाँ पे वेन्यू पहली बार खुद जाके डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है और मिमी से उस पे सिग्नेचर करने के लिए कहता है और मिमी से कहता है कि हम दोनों को बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था और अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। जिसपे मिमी उससे कहती है कि तुम अच्छे दिखने का दिखावा मत करो। जिसपे वेन्यू इमोशनल होकर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे एकदम पागल समझते हो और मुझे एकदम लूजर समझते हो, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, बचपन से ही मुझे किसी ने ढंग से ख्याल नहीं रखा। मेरी मॉम मेरे बड़े भाई को चाहती है और मेरे डैड क्विंची को ज्यादा चाहते हैं, बचा मैं जिसपे कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा था और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अपनी जिंदगी में अपने दोनों भाई बहनों के आगे निकलने की, लेकिन मैं हमेशा पीछे ही रह जाता था और बचपन से लेके आज तक किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की है। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी मुझे कचरा ही समझती है और इनफैक्ट मुझसे डिवोर्स भी चाहती है। चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि क्या तुम लोग ने मुझे कभी इंसान समझा भी है, मेरी भी फीलिंग्स है, मैं भी हर्ट होता हूँ। ये सुनने के बाद उसकी वाइफ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे पीछे से जाके हक करती है और वेन्यू से कहती है कि तुम जैसे भी हो मुझे काफी पसंद हो और मैंने सोच समझ के तुमसे शादी की थी। और वेन्यू भी यहाँ पे इमोशनल होकर उसे माफ कर देता है और उसे गले से लगा लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची और यांग वापस घर आते हैं, जहाँ पे क्विंची यांग से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे की अटेंशन पाने के लिए सिर्फ बच्चों जैसे लड़ते हैं, जबकि एक दूसरे की अटेंशन पाने के लिए दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। जिसपे यांग कहता है कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि एक गुड रिलेशनशिप में एक दूसरे की अटेंशन पाने के लिए लोग इतने क्रेजी नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे क्विंची यांग से पूछती है कि अगर तुम किसी पर्सन से प्यार करते हो तो क्या तुम ये प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम हमेशा उस पर्सन को अपनी लाइफ टाइम तक प्यार करते रहोगे। तो यांग कहता है कि अगर वो पर्सन तुम हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। जिसपे क्विंची कहती है कि अच्छा मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कौन है जिसे तुमने शॉर्टलिस्ट करके रखा है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यांग अपनी जॉब वापस से ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे यांग अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और उसे कहता है कि मेरे यहाँ पे काम करने से तुम पे काफी प्रेशर है और अगर तुम चाहो तो मैं ये काम छोड़ सकता हूँ। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि अब बस भी करो, जैसा तुम नॉर्मल बिहेव करते हो तुम वैसा ही बिहेव करो और अगर तुम मेरा अच्छा चाहते हो तो मेरा भला करने के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मेरे लिए इतना काफी होगा। और साथ ही यांग को कहता है कि अब जॉब छोड़ने की बात मत करना क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट तुम्हारा प्रमोशन करने वाले और तुम एक पहले एम्प्लॉई हो जिसका एक मंथ के अंदर अंदर प्रमोशन हो रहा है। जिसपे यांग इसका रीजन पूछता है तो उसका दोस्तों से बताता है कि उन्हें मिस्टर क्यू के फ्रॉड के बारे में पता चल गया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यांग के पास एक एम्प्लॉई आता है और उसे कहता है कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करे इतना समय हो गया लेकिन हमने आप लोगों के लिए कोई भी वेलकम पार्टी अरेंज नहीं की है, इसलिए अब हम कोई पार्टी अरेंज करना चाहते हैं आपके लिए। जिसपे यांग उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर देता है तो वो वहां से उदास होकर जाने लगता है। जिसपे यांग कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, एक्चुअली मैं मेरे पास पैसे ही नहीं है पार्टी करने के लिए। जिसपे सारे एम्प्लॉयज कहते हैं कि कोई बात नहीं हम पैसे पे कर देंगे। आगे हमें क्विंची के ऑफिस का
सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई होती है, जहाँ पे क्विंची अपने ऑफिस में मिस्टर लाओ से इस बारे में पूछती है। तो वो क्विंची को बताता है कि बाहर जो लड़की बैठी है वो फेमस स्टार डोगना है, जो कि एक होटल पे केस करना चाहती है क्योंकि उसे आधी रात को इंजरी के साथ एक होटल से निकाल दिया गया था, और वो इसी केस के बारे में यहाँ पे बात करने के लिए आई है। फिर हमें फ्लैशबैक में डोगना को दिखाया जाता है जिसके हाथ में चोट लगी हुई होती है और होटल के लोगों ने जबरदस्ती होटल से बाहर निकाल देते हैं बजाय उनका ट्रीटमेंट करने के। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि डोगना इसी बार में लेडी बॉस से बात कर रही होती है और मिस यूई से कहती है कि मैं आज तक इतने होटल पे रुकी हूँ लेकिन किसी ने भी इस तरीके से मेरी इंसल्ट नहीं की होगी और भला कोई अपने कस्टमर को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। और मिस यूई को बताती है कि मैं उन लोगों को 3 दिन का समय दे रही हूँ और इस दौरान अगर उन्होंने मुझसे माफी मांग ली तो ठीक है वरना मैं उनपे चार्जेस ठोक दूंगी। फिर इसके बाद लेडी बॉस डोगना को काफी सारे लॉयर से मिलवाती है और उनमें से 3 लॉयर्स को ये केस हैंडल करने के लिए कहती है। यहाँ ये बात क्विंची को पता चलती है और वो मिस्टर लाओ से पूछती है कि क्या ये केस इतना बड़ा है कि 3 लॉयर इसे हैंडल करेंगे, जिस पर मिस्टर लाओ से बताते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि उसका हस्बैंड कितनी पहुंची हुई चीज है। वहीं दूसरी ओर हमें फीफी को दिखाया जाता है जो कि जुनहुई को मिस्टर डोगना के हस्बैंड के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताने लगती है कि उसके हस्बैंड का नाम होपिंग है और उनका फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, लोग उन्हें गोल्डन फिंगर के नाम से भी जानते हैं लेकिन उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंची को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर लाओ से इस केस के बारे में और पूछ रही होती है, जिस पे मिस्टर लाओ से कहते हैं कि अगर मिस यूई ने आपको इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया है तो आप इस केस से दूर ही रहो, और ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। और क्विंची यहां पे सोचने लगती है कि मुझे कैसे भी करके इस केस में इन्वॉल्व होना होगा क्योंकि इस केस को मीडिया कवरेज ज्यादा मिलेगा और मुझे भी पॉपुलर होने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। तभी उसके पास मिस यूई का कॉल आता है जो कि उसे ऑफिस में बुलाती है और जब वो उसे मिलने के लिए ऑफिस में जाती है तो वो उसे बताती है कि उन्हें होपिंग के साथ जल्द से जल्द मीटिंग करनी है पर अपनी कंपनी में किसी को भी फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि यांग हमारी इस चीज में हेल्प करे क्योंकि वो अब्रॉड में काम करता था और उसे इसके बारे में काफी नॉलेज भी है। पर क्विंची को यहाँ पे डर होता है कि कहीं यांग इन लोगों के सामने एक्सपोज ना हो जाए और इन लोगों को सच्चाई ना पता चल जाए और वो मिस यूई से बहाना बनाने लगती है कि यांग को जॉब छोड़े हुए काफी समय हो गया है और मैं उसे फिर से इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, जिसपे मिस यूई कहती है कि मैं तुम्हारी कमजोरी बहुत अच्छे से तरीके से जानती हूँ, तुम यांगवा को आज लंच पे लेके आओ और मैं इसके बदले में तुम्हें ये केस हैंडल करने के लिए दूंगी। इस पे क्विंची उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।